हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि आप P2P ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपके साथ ये होता है कि आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। तो आज आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका गुजरात साइबर सेल से अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो आपको क्या करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, उनके साथ क्या सारी फॉर्मेलिटीज़ है, तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए क्या होता है कि जब भी आपका अकाउंट फ्रीज होता है तो आप पैनिक हो जाते हैं, तो नो नीड टू पैनिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फ्रीज होता है तो आप शांति दिमाग से पहले उसको जाने कि क्यों फ्रीज हुआ है, क्या रीज़न है, इसके पीछे क्या सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, बहुत बार आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो आप क्या करते हैं कि आप परेशान होकर तुरंत इधर जाते हैं उधर जाते हैं, बहुत सारी जगह पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने बैंक को कॉन्टैक्ट करना है, बैंक से सारी डिटेल्स लेनी है कि अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ, किस साइबर सेल ने फ्रीज करा है, क्या रीज़न है फ्रीज करने का। एक्नॉलेजमेंट नंबर ले लें, जी हाँ, जब कंप्लेंट होता है तो उसमें एक्नॉलेज नंबर जनरेट होता है, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर ले लें। किसने कंप्लेन किया है उसके बारे में भी डिटेल मिल जाएगा आपको, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का भी आपको डिटेल मिल जाएगा, साइबर सेल का ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आप ले लें। अगर ऑफिसर देने से, ये सारी चीज़ें बैंक ऑफिसर देने से मना करता है तो आप ये कर सकते हैं कि उन्हें ईमेल के थ्रू लिख सकते हैं या फिर उन्हें पोस्ट कर सकते हैं, और एक कॉपी आप RBI ओम्बड्समैन को भी ज़रूर भेजें, सो दैट उनके बैंक ऑफिशियल्स के ऊपर प्रेशर है और वो जल्द से जल्द वो सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दें। और एक बार सारा डिटेल्स आपको मालूम चल जाता है, आपके पास आ जाता है कि क्यों बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ, किस डेट में फ्रीज हुआ, किस ट्रांजेक्शन की वजह से फ्रीज हुआ, और ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, तो आप जो साइबर सेल है उसे आप लिख सकते हैं, उन्हें मेल कर सकते हैं, उन्हें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं आईओ को, और सारी चीज़ें बता सकते हैं। और उन्हें पूरी चीज़ बताने के साथ साथ उन्हें एक मेल भी करें, जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो सारी डिटेल्स आप उन्हें मेल कर दें, सो दैट वो आपको अच्छे से उसमें गाइड कर सकें, अच्छे से आपके साथ कोऑपरेट कर सकें। और देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसा अकाउंट है जो कि कंपनी का है तो उससे रिलेटेड भी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट वगैरह, जो भी उससे कंपनी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, वो सारी चीज़ें भी सबमिट कर दें। और कई बार ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको बुलाता है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, तो सपोज़ अगर आप केरला में हैं आप या फिर आप महाराष्ट्र में हैं तो गुजरात जाना आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, तो आप अगर जा सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जा सकते तो यू कैन एंगेज अ लॉयर जो आपके बिहाफ पे आपको उधर रिप्रेजेंट कर सके, आपकी सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर सके, उनसे बात कर सके, और जो भी उसमें आपको हेल्प हो वो कर सके, आपका साइड रख सके, आपका पक्ष रख सके, वो सारी चीज़ें बता सके। तो ऐसे में ये सारे प्रोसीजर फॉलो करने के बाद आपका अकाउंट अनफ्रीज हो सकता है। और ऐसा सारी चीज़ें करने के बाद भी आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं होता है तो क्या करना चाहिए वो भी बताया था आपको, लेकिन उसके पहले ये बता दूँ, गुजरात में सबसे ज़्यादा करके गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, इन जगह से अकाउंट फ्रीज होता है ज़्यादा करके। तो आप अगर ऐसा सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको कोई हेल्प नहीं मिल रहा तो आपका एडवोकेट आपके बिहाफ पे सेक्शन 451 एंड 457 CRPC के अंडर में एक एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के सामने फाइल कर सकते हैं और मजिस्ट्रेट को सारी चीज़ें बता सकते हैं। और अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सारी चीज़ उनको बता सकते हैं कोर्ट को, और कोर्ट आपके फेवर में ऑर्डर पास कर सकता है, और वो ऑर्डर की कॉपी ले आके आपको कंसर्न जो साइबर सेल है उसे देना है, और उसके बाद उनको अकाउंट अनफ्रीज करना ही पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू आंसर इट, और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन देने की ट्राई करेंगे। थैंक यू।